वीडियो को बताने जा रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा वेरिएबल डिक्लेरेशन के फॉर्मेट के बारे में। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में सबसे पहले आता है टाइप, उसके बाद आता है वेरिएबल नेम, टाइप और वेरिएबल नेम के बाद यहाँ पर एक छोटा सा सेमी कॉलन का आपको इस्तेमाल करना है। तो यह टाइप और वेरिएबल नेम किसके लिए हो गया? आपके सिंगल वेरिएबल के लिए हो गया। लेकिन यदि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएं, तब आपको क्या करना है? यदि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएंगे तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वो हो जाएगा टाइप, टाइप के बाद आ जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल वन का नाम कॉमा वेरिएबल टू का नाम कॉमा वेरिएबल थ्री का नाम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए एक फॉर्मेट बताया गया है। इन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके एग्जांपल से बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहा हूँ टाइप वेरिएबल नेम, यानी कि जब हमको एक सिंगल वेरिएबल लेना है तब हम कैसे लेंगे। तो टाइप का यहाँ पर जो मतलब है, टाइप का मतलब है डेटा टाइप से, यानी कि किस तरह का डेटा टाइप आपको इस्तेमाल करना है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको टाइप इस्तेमाल करना है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज़ हम एक इंटीजर डेटा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा इंट। तो ये इंट क्या है, ये है इंट टाइप है, इसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप, और वेरिएबल नेम सपोज़ है ए, वेरिएबल नेम क्या है ए, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल का नेम, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका सेमी कॉलन। तो ये कौन सा एग्ज़ाम्पल हो गया, ये वो एग्ज़ाम्पल हो गया जहाँ पर आपको एक सिंगल वेरिएबल लेना है। अब हम आते हैं मल्टीपल वेरिएबल वाले एग्ज़ाम्पल पर। तो मल्टीपल वेरिएबल वाले एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले उसमें भी टाइप था। मान लीजिए हम यहाँ पर मल्टीपल इंटीजर वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा इंट, तो इंट क्या है आपका टाइप है, जिसे हम एक डेटा टाइप भी बोलते हैं। अब यदि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स लेने हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अब ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए एक तरह के इंटीजर वेरिएबल। तो ये यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल लिए हैं, तो ये हो गया आपका मल्टीपल, वेरिएबल। तो अभी तक जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया वो सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल के लिए था। अब जब भी हम वेरिएबल का नेम रखते हैं, नेम्स लिखते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे कि सपोज़ यदि हम किसी भी वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो उसमें अपर केस और लोअर केस दोनों तरह के लेटर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ वेरिएबल के नेम में आपका नंबर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है, इसे बोलते हैं अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो वेरिएबल के नेम में अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर भी हो सकता है। साथ ही साथ एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब कभी हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट करेंगे तो जो स्टार्टिंग नेम है, वो
नंबर स्टार्टिंग नेम जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल का नेम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि वेरिएबल नेम किस में होता है, वेरिएबल नेम होता है अपर केस और लोअर केस लेटर्स में। जैसे सपोज एग्जांपल इंट ए है ना, ये एग्जांपल बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नेम किस तरह का है, यहाँ पर वेरिएबल नेम एक लोअर केस लेटर है। यदि मैं वेरिएबल को एक अपर केस लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इंट ए, ठीक है। अब मैं अपर केस और लोअर केस लेटर को जोड़ के भी साथ में लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पर लिखा इंट ए ए, दिस एग्जांपल इज आल्सो राइट, ठीक है, ये एग्जांपल भी सही है। और साथ ही साथ मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इंट ए ए, ये भी सही है। एक और मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ इंट ए ए, दिस इज आल्सो राइट, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ वो सारे क्या हैं, वैलिड एग्जांपल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन बताया गया था इंट ए वन, देखिए ये भी सही है, लेकिन इंट वन ए, इंट वन ए, अभी क्या बताया गया, अभी ये बताया गया है कि वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि इंट वन ए ऐसा करना गलत है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, ये इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद अभी एक और कहा गया अंडरस्कोर के बारे में, तो अंडरस्कोर का कैसे होगा, अंडरस्कोर कुछ तरीके से होगा इंट ए अंडरस्कोर वन, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, अंडरस्कोर से शुरू नहीं करना है, जैसे कि इंट, ठीक है, ऐसा करके देखना है ना, ऐसा करने पे क्या हो सकता है, एरर हो सकता है ना, तो इसको जितना हो सके इस तरीके को आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं मैंने आपको सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर अप किया है फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।